वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस, सो शंभावी वेरी गुड आफ्टरनून, श्रुति वेरी गुड आफ्टरनून, उज्मा वेरी गुड आफ्टरनून, ईशा वेरी गुड आफ्टरनून, शीतल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, प्रभात गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम इन आवर लाइव सेशन स्टूडेंट। इशिका पॉल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे से हो। सुधा पैटल वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम इन आवर लाइव सेशन। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, जस्ट वन मिनट। यस तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि शुभम गिया वेरी गुड आफ्टरनून, यस वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम, सच दैट कम से कम टाइम पे आपको काम का चीज मिल जाए स्टूडेंट। एंड उसके साथ साथ हिमानी वेरी गुड आफ्टरनून, आसमा वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम। आई मस्ट टेल यू कि ये जो दो एग्जामिनेशन है CSIR नेट एंड गेट, इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। गेट एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवनीता वेलकम। तो देखिए इस क्लास में भी आपको एक नया टेक्निक सीखने को मिलेगा, मैं बहुत बढ़िया टेक्निक के बारे में बात करूंगा और आप देखना कितना बेहतरीन वे पे कितना क्वेश्चन जो है CSIR नेट और गेट का वो हो जाएगा इन टेक्निकों से। लक्ष्मण वेरी गुड आफ्टरनून, गोनू कृष्णा वेलकम एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके तो प्लीज लेट मी शेयर दिस सेशन विद माय फ्रेंड्स एंड एज वेल एज आप भी इस सेशन को शेयर करिए खुद के दोस्त के साथ। तो शेयर कर लीजिए एक बार स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ओके चलिए, अशोक साहू जी, हाँ अशोक, अर्घ्यज्योति प्रामाणिक, रशिका उगाले वेरी नाइस टू सी यू, दीपांशी अग्रवाल सर गेट का क्वेश्चन कराए, श्योर दीपांशी आपसे ज्यादातर क्वेश्चन हम गेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो टॉपिक है ना ये गेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुधा पैटल वेलकम। तो चलिए शुरू करते आज का सेशन। कल मैं देख रहा था अपने से कोई मुझे पूछ रहा था कि सर आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है शोभिक, शोभिक पाल चौधरी। तो द थिंग इज दैट कल तो मैं बता नहीं पाया आपको, तो आज बता दिया। अशोक इस वीक पे सैटरडे तक क्लास होने वाला है, उसके बाद फिर से आऊंगा, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुद के दोस्त के साथ शेयर करिए CSIR नेट गेट इन एग्जामों का जितना एप्टीट्यूड का पोर्शन है। एंड बहुत ही जल्दी इंजीनियरिंग मैथ्स का भी सेशन लेकर मैं आऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहा है कि सर गेट का इंजीनियरिंग मैथ्स का कुछ सेशन हो जाए। एनीवे आप तो एग्जाम आ चुके हैं, बट जरूर ये सारी चीज आपको ये चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए आज का टॉपिक जो है आप देख सकते हो वर्क एंड टाइम। याद करिए स्टूडेंट ये टॉपिक, आई होप आप जब क्लास 7 में थे क्लास 8 में थे उन सारे क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता, राइट। और याद करिए स्टूडेंट आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता था कि राम ने एक काम 10 दिन में किया और श्याम ने और दूसरा एक वही काम, श्याम ने वही काम 8 दिन में किया। अगर दोनों दोस्त एक साथ मिलकर काम करने के लिए जाएगा तो कितना टाइम लगने वाला है वो ही काम खत्म करने में, हाँ या ना, याद हो गया सर? आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट सर आप नहीं नहीं प्रभात, आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंस, आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंस अप टू क्लास 12, लेकिन उसके बाद लाइफ साइंस जरूर पढ़ चुका हूं मैं और बहुत पसंद भी है सर। टॉप 5 to 7 एप्टीट्यूड टॉपिक फॉर गेट एक्सेल एंड बीटी, जरूर जरूर। अर्घ्यज्योति प्रामाणिक, श्योर श्योर, आई विल टेल यू अबाउट दैट। ओके अपराजिता गुड आफ्टरनून वेलकम, श्रुति दास, दीपांशी अग्रवाल। चलिए तो देखिए आज का टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट, वर्क एंड टाइम। तो क्लास 7 और 8 में जब आप थे, क्लास 7 में ये टॉपिक जब पढ़ाई कर रहे थे कि श्याम ने 10 दिन में काम कंप्लीट किया
और राम ने 8 दिन में काम कंप्लीट किया। अभी दोनों दोस्त मिलकर अगर काम करेगा कितना दिन पे वो काम कंप्लीट होने वाला है, याद करिएगा स्टूडेंट। आप लोग क्या करते थे मालूम है, आप लोग पकड़ते थे वर्क को कि लेट द वर्क बी वन यूनिट। क्यों ऐसा सर? क्योंकि आप देख लेना स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, वर्क एंड टाइम का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक चीज मिसिंग होता है। सर क्या? सर एक सिंपल चीज सारे क्वेश्चन में मिसिंग है, अगर आप देखोगे वही चीज आपको ढूंढना होता है। क्या सर? सर वर्क, वर्क आप यही जो भी क्वेश्चन लेकर आओ मेरे पास, आप देखना सारे जगह पर बताया गया है इतने आदमी काम करता है, इतना दिन लगता है काम करने के लिए, लेकिन कोई भी प्लेस पे आपको वर्क के बारे में बताया नहीं जाएगा कि कितना वर्क। तो स्टूडेंट ये जो वर्क मिसिंग है ना, इसी चीज को आप स्कूल लाइफ में पकड़ते थे कि लेट इट बी वन यूनिट। अभी आज के क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वन यूनिट को ना पकड़ कर अगर कुछ एक दूसरा चीज पकड़ते हो, कितना जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत ही जल्दी मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं स्टूडेंट, आपके लिए एक सजेशन है कि क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चंस होता है उसके माध्यम से, आपके लिए एक सजेशन है, आप देखना क्वेश्चंस को पढ़ के वर्क मिसिंग होगा और वर्क को आपको पकड़ना होगा। तो ये पकड़ने वाला गेम है, निकालना नहीं है, पकड़ना है। तो देखिए कैसे होता है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन चलिए मानते हैं, दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम IIT दिल्ली 2020, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट 2020 IIT दिल्ली का है, इसी क्वेश्चन से आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट IIT दिल्ली। गेट का सवाल, कैसा क्वेश्चन सर? देखिए क्वेश्चन नंबर वन, इट वॉज एस्टिमेटेड that 52 men can complete a strip, 52 men can complete a strip, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बाकी के बातें बाद में होगा, प्लीज फोकस हियर और ट्राई करिए, पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, तब भी जाके आपको फायदा मिलने वाला है इस सेशन का। It was estimated that 52 men can complete a strip in a newly constructed highway connecting cities, P and Q in 10 days. बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। अभी क्या हुआ, ड्यू टू एन इमरजेंसी 12 men were sent टू अनदर प्रोजेक्ट, How many number of days more than the original estimate? Original estimate कितना था स्टूडेंट? 52 men 10 days में करने वाला है। How many number of days more than the original estimate? बहुत ही इजी सवाल है, than the original estimate will be required to complete the strip, तो देखिए ये सवाल आपके लिए है स्टूडेंट, पहले आप खुद ट्राई करो, मैं ये सवाल आपके लिए इजी बनाऊंगा, वो मेरा काम है मैं करूंगा, पहले आप ट्राई करो। ऑप्शन नंबर ए इज 3 days, ऑप्शन नंबर बी इज 10 days, ऑप्शन नंबर सी इज 5 days एंड ऑप्शन नंबर डी इज 13 days।
ठीक है, तो आई होप यू कैन सी इट बिहाइंड मी, इट्स 13 डेज. इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम लेट मी राइट इट डाउन हियर, 13 डेज. थिंक अबाउट इट नाउ. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 52 मेन कैन कंप्लीट अ स्ट्रीट इन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे कनेक्टिंग सिटीज पी एंड क्यू इन 10 डेज. तो 52 मेन मिलकर 10 डेज में काम खत्म करने वाला था. बीच में क्या हुआ, 12 मेन को दूसरी जगह पर भेजना पड़ा. तो अभी आपके पास है 40 मेन. स्टूडेंट ध्यान से देखो, 52 मेन था, 12 मेन को आपने भेज दिया, तो आपके पास अब वर्क फोर्स है 40 मेन का. उन लोगों से आपको ये काम निपटाना है. गोनू अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो. मैं बहुत अच्छा श्रुति दास, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, मिस्टेक्स होता है. तो देखो स्टूडेंट, वही काम अगर 40 आदमी करेगा कितना दिन लगने वाला है. देखिए रितिका शर्मा, अंजलि आइमा से अपराजिता, अच्छा आप लोग पहले सोच लीजिए फिर मैं तो बता, बढ़िया. तो देखिए ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये गुड आफ्टरनून प्रीतम आचार्य, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गेट आईआईटी दिल्ली 2020. हाँ रितिका शर्मा, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जितने स्टूडेंट ने आंसर दिया वो काबिल है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और वो सॉल्व भी किया, लेकिन उन लोगों का गलत आ गया बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं. क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. वहां पे अगर ध्यान घटेगा तो आप गलत सवाल का आंसर करके आओगे. बहुत खूब, बहुत खूब श्रुति दास. देखिए स्टूडेंट बात ऐसा है, यहां पे आपको बताया गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मोर देन द ओरिजिनल एस्टिमेट, मोर देन द ओरिजिनल एस्टिमेट कितना लगने वाला है. ठीक है, तो आप लोग जो 13 डेज बता रहे हो ना, वो है 40 आदमी कितना दिन पे करेगा, तो कितना ज्यादा होगा, 3 डेज इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड, 3 डेज विल बी द करेक्ट आंसर. लेकिन सर करे कैसे. हाँ अपराजिता, देखिए आपको आया था लेकिन आपने गलत आंसर दे दिया बिकॉज ऑफ इंपेशेंस होकर. ठीक है, तो ये चीज ध्यान पे रखना. अभी देखो स्टूडेंट कैसे करना है, बहुत बढ़िया टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया टेक्निक बताऊंगा, ध्यान दीजिए. देखो पूरा काम में पहले बताया गया है 52 मेन करने वाला था, 10 दिन लगने वाला. अभी 52 मेन के जगह पर 40 मेन करेगा कितना दिन लगेगा, ये है क्वेश्चन. क्या मिसिंग है स्टूडेंट, जोर से बताइए कमेंट पे, क्या मिसिंग है सर, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट, क्या मिसिंग है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में, क्या मिसिंग है, नंबर ऑफ मेन है, कितना दिन काम करेगा, सारे चीज है, वर्क नहीं है. क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं सुधा. देखिए 52 मेन एक काम 10 दिन में करता है, वो पूरा काम अगर 12 मेन चला जाएगा तो 40 मेन को करना पड़ेगा, तो कितना मेन कितना टाइम लगने वाला. तभी देखिए वर्क इज मिसिंग पूरा क्वेश्चन में. वेरी वेरी गुड लोकनाथ, देवनाथ, रशिका, दीपांशी, संभावी, अंजलि, श्रुति, इन पूरा क्वेश्चन में स्टूडेंट वर्क मिसिंग है और आपको वर्क को पकड़ना पड़ेगा. अभी देखिए खेल, 52 मेन 10 डेज काम करेगा, 52 मेन 10 डेज काम करेगा, तो हम पकड़ सकते हैं कि ये जो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क है 52 × 10. सर ये क्या किया आपने, जब स्कूल में पढ़ाई करते थे सर 1 पकड़ते थे, ये आपने क्या कर डाला, 52 × 10 ये क्या है, राइट. देखो समझ लो स्टूडेंट, देखो सर यहां पे 52 मेन है 10 दिन काम करता है. एक मैन के बारे में सोचो, एक मैन के बारे में स्टूडेंट, ठीक है, एक मैन अगर 10 दिन में स्टूडेंट, ठीक है, एक मैन अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, एक मैन अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 52 मैन, मैं थोड़ा लिख लेता हूं, एक मैन अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 52 मैन 52 यूनिट काम करेगा कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना. अगर एक मैन एक दिन पे 1 यूनिट काम करेगा तो 52 मैन 52 यूनिट काम करेगा कि नहीं, हाँ या ना. तो सर 52 यूनिट पर डे करता है, तो 10 दिन में क्या हो गया सर, 52 × 10.
समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आ जाएगा, दो तीन क्वेश्चंस करने दीजिए। यही होता है दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि आपको वर्क को मैनिपुलेट करना है, ऐसा वर्क को पकड़िए कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एक मैन अगर एक यूनिट पर डे करता है, 52 मैन 50 यूनिट पर डे, क्वेश्चन करते करते इतना आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली आप बता पाओगे मेरे जैसा कि 52 इंटू 10 टोटल वर्क। तो सर कितना दिन लगेगा? सो डेज यू वांट 40 मैन के लिए, सर ये है टोटल वर्क 40 मैन के लिए डिवाइडेड बाई 40, सर आंसर क्या है 13। बस सर क्या किया यहाँ पे, समझ में ही नहीं आया। अरे मैं हूं ना समझाने के लिए। स्टूडेंट एक मैन एक यूनिट पार्ट डे करता है, तो 40 मैन जो है ना, 40 मैन 40 यूनिट पार्ट डे करेगा, 40 मैन 40 यूनिट पार्ट डे करेगा। अगर टोटल काम है 52 into 10 यूनिट, 40 यूनिट पार्ट डे होता है, टोटल कितना दिन लगेगा? सर दिस डिवाइडेड बाय दिस। सर फिर भी समझ में नहीं आया, अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आया। तो मैं बताता, स्टूडेंट आपके पास 50 रुपीस है, बहुत ध्यान देना, अगर पहले ये समझ लीजिए आज पूरा क्लास अगर ये कंसेप्ट को समझते हो, पूरा क्लास मैजिक होगा, आज मैजिक क्रिएट होगा और आपको मैजिक करना है, मुझे नहीं से। तो स्टूडेंट आप बताइए, आपके पास 50 रुपीस है, क्या बता रहा हूं मैं, चलिए न्यू स्लाइड पे देखते हैं। आपके पास टोटल 50 रुपीस है, ठीक है, आपको एक चॉकलेट खरीदना है जिसका 5 रुपए पर चॉकलेट है, आपको एक चॉकलेट खरीदना है जिसको 5 रुपए पर चॉकलेट है, तो टोटल 50 रुपीस है, कितना चॉकलेट खरीदोगे बताइए। तो हर एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए है, जल्दी से बताइए टोटल 50 रुपीस में कितना खरीदोगे, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। आपके पास 50 रुपीस है, 5 रुपए हर एक चॉकलेट का प्राइस है, टोटल कितना, जल्दी से। प्रियंका सिंह वेरी गुड, सारे स्टूडेंट बताइए। दीपांशी अग्रवाल वेरी गुड, क्या बच्चों जैसा सवाल है सर, इतना ही कंसेप्ट को अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना होता है, बड़ों जैसा काम वो आपको सीखना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैसे किया अपना सर, 50 divided by 5 दैट मींस 10। अच्छा तो हर एक का प्राइस जो होता है, टोटल प्राइस को उससे डिवाइड करने से नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाते हैं। सर सेम बात ना, 40 यूनिट काम पर डे होता है, अगर टोटल काम 52 into 10 है, तो 52 into 10 divided by 40 आ गया 13। तो सर एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया, एक्स्ट्रा डेज हो गया स्टूडेंट 13 minus 10 यानी के 3 days। तो क्वेश्चन का पहला गलती जो करते हो आप लोग, कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ने से जब भी यहां पे आंसर आ गया 13, आपने जल्दी से बता दिया सर एक्स्ट्रा डेज, सोचा ही नहीं, आपने जल्दी से बता दिया सर 13 इज करेक्ट। तो ये गलती करने का नहीं है, प्लीज बताइए कमेंट पे समझ में आया कि नहीं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, कि क्वेश्चन को शॉर्ट वे पे कैसे करना है, आपको वर्क जो है मिसिंग उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ू सर, 52 into 10, 52 आदमी 10 दिन से काम कर रहा है, तो आप फील कर सकते हो टोटल कितना काम क्रिएट होगा। सर 52 into 10 ये टोटल काम का अमाउंट है, मैंने गेस कर लिया काम, अभी नंबर ऑफ पीपल कितना काम करेगा ये काम को निपटाने के लिए, 12 आदमी तो चला गया, 40 आदमी करेगा, सो 52 into 10 डिवाइडेड बाई 40 आ गया आपका आंसर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, अच्छा कंसेप्ट था सर, वेरी वेरी गुड। अभी चलिए एक बहुत इजी सवाल आपके लिए, और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मेथड जो इसमें हुआ, लेकिन आपको 50% समझ में आएगा, 50% समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल यू पीपल हु आर प्रेजेंट इन आवर लाइफ, लेकिन आप लोग मैं देख सकता हूं पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अटेंडेंस जो है लाइक लगा दीजिए स्टूडेंट। हाँ अभी कौन सा आईआईटी का क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, आईआईटी मद्रास 2019, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास में ये क्वेश्चन आया था, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन सेट किया था। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इजी सवाल है, इट टू टेक 1 मशीन
4 hours to complete a production, complete a production, it would take one machine कहाँ पे गया? It's one, okay? It would take one machine 4 hours to complete a production. याद रखना IIT Madras का सवाल है और कितना easy सवाल आ रहा है student. थोड़ा अगर आप समझ के पढ़ के जाओगे ये सारे सवाल आप करके आओगे श्योरली, ठीक है. एंड अनदर मशीन 2 hours टू कंप्लीट द ऑर्डर. इफ बोथ मशीन साइमल्टेनियसली वर्क साइमल्टेनियसली एट देयर इफ both machine work simultaneously if both machine work simultaneously एक साथ काम कर रहा है, ठीक है. simultaneously का मतलब at their respective constant rates the time taken to complete the order. simultaneously at their respective constant rates respective constant rates the time taken to complete the order will be that many hours. Okay, I hope you can see it. In my background it's hours. कितना घंटों में ये एक साथ काम करके काम खत्म करेगा? सिर्फ देखो और आंसर बताओ. आई जस्ट डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स. सिर्फ देखो और आंसर बताओ. सबको आने वाला है ये सवाल का आंसर. सारे स्टूडेंट को आने वाला है ये सवाल का आंसर. तो देखो और आंसर बताइए स्टूडेंट क्या होने वाला है. बहुत घुमाया है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है कि एक मशीन है जो 4 घंटे में काम खत्म करता है, दूसरा मशीन है जो 2 घंटे में काम खत्म करता है. अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लगने वाला है? फैंटास्टिक परफॉर्मेंस संभावी यश शीतल जून दीपांशी अग्रवाल प्रीति शर्मा शुभम देव श्रुति दास ध्यान दीजिए दशिका उगाले प्रियंका सिंह फैंटास्टिक वेरी वेरी गुड. तो बहुत सिंपल सवाल है और मैं एक टेक्निक बताऊंगा वो ध्यान से देखिए. वेरी वेरी गुड वेरी गुड रितिका शर्मा फैंटास्टिक. तो सारे स्टूडेंट बता रहा है 4/3 तो बिल्कुल सही आप लोग हो कि वही करेक्ट आंसर है. फैंटास्टिक इशिका पॉल अंजलि प्रीतम. अभी जो टेक्निक मैं बताया उससे क्या करना है सर? सिंपल बात देखिए एक लाइन पे काम होगा. स्टूडेंट मैंने बताया वर्क को पकड़ना है. इसको मैं बताता हूं एलसीएम मेथड या फिर मल्टीप्लीकेशन मेथड. कुछ भी लगाइए काम होगा. एलसीएम मेथड या फिर मल्टीप्लीकेशन मेथड कुछ भी लगाइए काम आपका हो जाएगा. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो बहुत जल्दी से काम होने वाला है. सर क्या है ये मेथड? सिंपल बात स्टूडेंट वर्क मिसिंग है. जो बात मैंने बताया था आपको वर्क इज मिसिंग वर्क को पकड़ना है. ओके सर 2 घंटा 4 घंटा है और 2 घंटा है सर. 4 घंटा एक मशीन काम करेगा 2 घंटा दूसरा मशीन काम करेगा. बहुत ध्यान देना स्टूडेंट. तो 2 और 4 इनका एलसीएम निकालो. 2 1 2 2 2 4 सो एलसीएम बन गया स्टूडेंट 2 2 4. जिन लोगों को एलसीएम निकालने में दिक्कत है सिंपली वर्क को 2 × 4 कर दीजिए. मतलब जो अमाउंट ऑफ टाइम है जैसा लास्ट क्वेश्चन में 52 मेन था 10 था 52 × 10 कर दिया था. तो ये हो जाता है मल्टीप्लीकेशन मेथड. ये हो जाता है मल्टीप्लीकेशन मेथड अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो और अगर एलसीएम करते हो तो एलसीएम मेथड. दोनों ही काम करता है. तो चलिए एलसीएम आ गया 4 स्टूडेंट. एलसीएम आ गया 4 तो वर्क अब पकड़ लो 4 यूनिट है. अभी मैजिक देखना. तो स्टूडेंट वर्क 4 यूनिट है. पहला मशीन 4 घंटे में टोटल काम यानी के 4 यूनिट करता है. सो फर्स्ट मशीन
वन यूनिट पर आवर करेगा, हाँ या ना स्टूडेंट? चार घंटे में टोटल चार यूनिट किया तो वन यूनिट पर आवर, हाँ या ना? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन पे, आई वांट आंसर। चार यूनिट टोटल ले लिया आपने तो वन यूनिट पर आवर करेगा, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। तंग चल रहे हो स्टूडेंट? कमेंट करिए, कम्युनिकेट कीजिए और बताइए कि अगर फास्ट मशीन चार आवर्स ले लेते हैं टोटल काम करने में तो वन यूनिट पर आवर करेगा। बिल्कुल सर सही हो। सेकेंड मशीन स्टूडेंट दो घंटे ले रहा था टोटल काम करने में, याद रखना टू आवर्स ले रहा था टोटल काम करने में, तो सर टू यूनिट्स पर आवर करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सहमत हो, हाँ या ना? फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड। तो सर दोनों मशीन यानी कि फास्ट प्लस सेकेंड दोनों मिलकर अगर काम करेगा सर तो वन प्लस टू यानी के थ्री यूनिट्स पर आवर करेगा, हाँ या ना सर? सहमत हो, हाँ या ना? तो दोनों मशीन एक साथ मिलकर करेगा सर तो थ्री यूनिट पर आवर करेगा, हाँ या ना? यस, वेरी गुड। तो सर आपने बताया अगर एक चॉकलेट का प्राइस पांच रुपए है, टोटल 50 रुपीज है, नंबर ऑफ चॉकलेट ढूंढने के लिए 50/5 करना पड़ता है। सिमिलरली सर अगर हर घंटे में तीन यूनिट काम होता है और चार यूनिट टोटल काम है, कितना टाइम लगेगा सर? जल्दी से बताओ स्टूडेंट लोग। 4/3, 4 इज द टोटल डिवाइडेड बाई 3 जो हर घंटे इतना आवर्स, आ गया ना आंसर 4/3 आवर्स। फैंटास्टिक, मजा आया स्टूडेंट? तो देखो वन यूनिट पकड़ के जो आप करते हो वो बैकडेटेड मेथड है, वो आप भूल जाना पड़ेगा आपको, वो छोड़िए, वो पुराना दिन का खेल है। आप लोग वन यूनिट को टोटल पकड़ोगे तो पहला मशीन 1/4 यूनिट करेगा, सेकेंड मशीन 1/2 करेगा, उन दोनों को ऐड करोगे, फ्रैक्शन का एडिशन। अरे क्यों इतना सोचना है, अभी नया दिन आ गया एलसीएम मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड का। आपको पकड़ना पड़ेगा वर्ड की सच दैट हर एक क्वेश्चन इजी बन जाए। क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट को, हाँ या ना बताइए? यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया, सही हो, सबको समझ में आया? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया। शीतल वेरी गुड, सारे स्टूडेंट कमेंट पे लिखो कि सीसी क्रिस्टल क्लियर। सीसी सर क्योंकि इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन गेट का मैं देने जा रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये प्रैक्टिस सेशन में आप जरूर उसका आंसर बताओगे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रितिका शर्मा, शीतल, श्रुति, नवनीता, प्रियंका, प्रभात, शुभम, तेजस्वनी, प्रीतम, रशिका, प्रीति, दीपांशी, संभावी, वेरी गुड प्रभात। अगर इतना क्लियर हो गया अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप करने वाले हो क्वेश्चन का सवाल, सवाल का आंसर। तो सर क्या क्वेश्चन है? सिमिलरली 2019 आईआईटी मद्रास ने ही दिया था ये क्वेश्चन। आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए क्या क्वेश्चन डाला था आईआईटी ने। आईआईटी का क्वेश्चन है एन ऑयल टैंक, सारे स्टूडेंट को करना चाहिए। एन ऑयल टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप एक्स इन, सॉरी देयर इज समथिंग मशीन, 5 आवर्स एंड पाइप वाई इन 4 आवर्स each working on its own, मतलब जब खुद काम करता है ये 5 घंटे में पूरा ऑयल टैंक भरता है और ये 4 घंटे में पूरा ऑयल टैंक भरता है। स्टूडेंट अभी देखिए, when the oil is full and the drainage hole is open, when the oil is full मतलब टैंक में, and the drainage hole is open and the drainage hole is open, the oil is drained in 20 hours. So 20 hours में ये खाली कर देता है student, ठीक है? If initially the tank was empty,
मैं खुद के लैंग्वेज में बताता हूं आपको, इनिशियली द टैंक वॉज एम्प्टी, क्योंकि आईआईटी बहुत बड़ा क्वेश्चन देते हैं, उसमें से आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं कैसे पढ़ना है क्वेश्चन। इफ इनिशियली द टैंक वॉज एम्प्टी एंड यू ओपन पाइप एक्स पाइप वाई एंड द ड्रेनेज होल टूगेदर डी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। बहुत ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से समझना है क्या करना पड़ेगा। आंसर्स आर 4 hours, 1.5 hours, थर्ड ऑप्शन इज 2 hours और फोर्थ ऑप्शन इज 2.5 hours। तो स्टूडेंट दोज आर द ऑप्शंस, ठीक है। 4 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, फैंटास्टिक। देखिए शुभम दीप का परफॉर्मेंस देखिए, देखकर ही आंसर बता दिया। श्रुति दास का परफॉर्मेंस देखिए, इस लेवल का परफॉर्मेंस सारे स्टूडेंट में होना चाहिए। कैसे किया सर, यही तो बात है स्टूडेंट। देखो आप इतना बड़ा क्वेश्चन को पढ़ने का नहीं है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। वहां पे आदमी काम कर रहा था, यहाँ पे पाइप काम कर रहा है। पहला काम करने वाला पाइप है X जो 5 घंटा लेता है, दूसरा है Y जो 4 घंटे लेते हैं, और तीसरा है ऑयल वो ड्रेनेज होल जो 20 घंटा लेता है, 20 hours लेता है। तो ये तीनों काम का अमाउंट गिवन है। मैंने क्या बताया, सिंपल एलसीएम निकालो, वर्क को पकड़ो और क्वेश्चन को, सवाल को पढ़ो, आंसर बताओ। अपराजिता वेरी गुड, संभावी, रशिका उगाले, तेजस्वानी, मोहिनी, लोकनाथ, रितिका। तो क्या बताऊं और आपको क्या पढ़ा स्टूडेंट, आप लोग इतना बेहतरीन परफॉर्म करोगे, देख लेना आपका एप्टीट्यूड बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है। नीतू सिंह, लोकनाथ देवनाथ, मोहिनी निर्मल, संभावी यश, रशिका उगाले, तेजस्वनी, ऋषिका पॉल, प्रियंका सिंह, रितिका शर्मा, फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इतना इजी सवाल क्यों सर, क्यों सर, सर देखिए रितिका शर्मा ने बता भी दिया सर, वर्क को पकड़ना है। सर ने क्या बताया, वर्क को पकड़ना है, मतलब वर्क यहाँ पे क्या है, टोटल ऑयल, टैंक में टोटल ऑयल क्या है, उसको एक गेस मारना है। कैसे गेस करूं सर, 5 घंटा, 4 घंटा, 20, इन तीनों के एलसीएम निकालिए स्टूडेंट जल्दी से। 5, 4, 20, सर बच्चों का खेल है, देखकर ही पता लगता है 20 इज द एलसीएम। सर बच्चों का खेल है, देखते ही पता लगता है सर 20 इज द एलसीएम। और अगर सर 20 एलसीएम हो जाते हैं तो पहला पाइप यानी कि पाइप एक्स 5 घंटा, देखिए पाइप एक्स के बारे में देखिए, 5 घंटा ले रहा था, सो पाइप एक्स 4 यूनिट डालेगा पर आर सर, पाइप वाई सर 5 यूनिट डालेगा पर आर सर। क्यों सर, क्योंकि 4 घंटा टोटल, तो सर 20/4 कैसे हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं सर, 20/4 यानी कि 5 यूनिट पर आर, 20 यूनिट भरता है 4 घंटे में, तो पर घंटे में 5 यूनिट सर। लेकिन ये लोग भरता है, और आपके पास और एक चीज है सर जिसका नाम है ड्रेनेज होल, वो क्या करता है सर 1 यूनिट पर आर निकाल लेता है सर, क्योंकि वो 20 hours में खाली कर देता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक घंटे में ये तीनों ने काम किया, एक्स प्लस वाई प्लस ड्रेनेज होल तीनों मिलकर काम किया सर, तो क्या हो जाएगा सर, ओके पार घंटे में इसने 4 डाला 5 डाला 1 निकाला सर। सो पार घंटे आप देख लीजिए इतना काम करेगा तीनों मिलकर 8 यूनिट पार घंटे। सर बार बार बता चुका हूं मैं कि आपके पास 50 रुपीज है, 5 रुपए हर एक चॉकलेट का प्राइस है, टोटल कितना चॉकलेट खरीदोगे सर, बच्चों का खेला 50/5 10 मिनट। सो सर हर घंटे में 8 यूनिट होता है, टोटल काम है सर 120 यूनिट्स, सर टोटल काम 20 यूनिट्स है सर, टाइम कितना लग जाएगा, रितिका ने ऑलरेडी बता दिया कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 8 यानी कि सर 2.5 hours, इतना इजी। हाँ सर एलसीएम कैसे निकालता है प्लीज बताइए, सुधा जरूर बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए स्टूडेंट कैसा लगा इस सवाल को, मैं अगर करने वाला था, आपका दोस्त ने किया, आप देखिए
यहां पे ही क्वेश्चन के अगल बगल में, क्वेश्चंस के अगल बगल में ये जो प्लेस है ना, इतना काफी है, बिलीव मी इतना काफी है कैलकुलेट करने के लिए। टोटल हो गया 20, तो इसके लिए आया सर 5, इसके लिए आया 4 यूनिट, और सर इसके लिए 1 यूनिट, 5 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि सर 8 यूनिट पर घंटा हो गया, 20/8 मतलब सर आंसर बन गया 2.5 आवर्स एंड दैट्स इट। कैसा लगा मेथड कमेंट पे बताइए, कैसा लगा मेथड कमेंट पे बताइए, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सुधा पटेल, आपको किसी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम बचपन में करके आए हैं। मैं दिखाता हूं एलसीएम का शॉर्टेस्ट टेक्निक, दुनिया भर का शॉर्टेस्ट टेक्निक अभी मैं सिखाने वाला हूं एलसीएम का। ये टेक्निक को अगर आप अपना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट, उसको करने का एक ऐसा पर्सपेक्टिव जन्म होगा आपके अंदर कि बढ़िया मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तो और आज एंड पे मैं सीएसआई नेट का भी एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिस क्वेश्चन को आप देखना, इस चैप्टर से सीएसआई नेट ने जो क्वेश्चन डाला था उसमें मैथ करने का ही नहीं है, लॉजिकल डिडक्शन वाला क्वेश्चन था। सुपर इजी श्रुति दास, वेरी गुड शीतल जूट्स, मस्त आपसे ही सीखा है ये सर, थैंक यू सो मच शीतल, लेकिन आप लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मर हो, आई मस्ट से। ठीक है शंबा भी फैंटास्टिक, नितू सिंह फैंटास्टिक। तो अगर ये मेथड आपको आ गया तो देखिए सारे आईआईटी का सवाल है, इधर उधर का सवाल मैं बता नहीं रहा हूं। तो अगर ये मेथड आ गया तो मान लीजिए बाकी सवाल आपके लिए भी बहुत इजी बनने वाला है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है मेरे पास, ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है मेरे पास और आपको करना है, मैं देने वाला हूं ये आपके लिए, चलिए देखते हैं। ओके ओके, तो यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल जो सारे स्टूडेंट को आएगा ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले सॉरी, उससे पहले सुधा को थोड़ा बहुत, आपको जिसको भी एलसीएम में दिक्कत है मैं बता दूं, उसके पहले थोड़ा एलसीएम वाला कंसेप्ट में बता दूं। स्टूडेंट एलसीएम जो होता है इसका मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी के सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई किसी ने आपको बताया कि अच्छा बताइए तो 3 और 5 का एलसीएम क्या है, अच्छा ये बात, तो पहली बात आप मल्टीपल ऑफ 3 सोचिए, सर मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होता है जल्दी से बताइए तो कमेंट पे, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है जल्दी से कमेंट पे बताओ, जल्दी से कमेंट पे बताओ मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या आएगा, मल्टीपल्स ऑफ 3, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एलसीएम, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या है। प्रियंका सिंह, वो डिवाइजर्स है, नो दीपांशी नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीप्लीकेशन टेबल याद है आप लोगों को, अब जब छोटे थे मल्टीप्लीकेशन टेबल आपका मम, आई थिंक योर मदर और फादर, मम्मी से हम लोग सीखे थे, बताइए नहीं यार, सही है शीतल ने, एक ओनली पीपल शीतल जिसने सही बताया, तो देखिए 3, 6, 9, 12 मल्टीप्लीकेशन टेबल, अरे सिंपल बात, तो ऐसे करके चलता जाएगा सर, ऐसे करके चलता जाएगा गाड़ी, तो इसको हम बताते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी जल्दी बताओ मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या है जल्दी से बताइए, देखिए आपका दोस्त शीतल ने बता भी दिया सर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके चलता जाओ। ओके सर, अभी देखिए आपको बताया गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लास्ट लाइन है मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल होना है। अभी कॉमन मल्टीपल सेकेंड स्टेटस पे आ जाइए, जैसा आपका सरनेम होता है ना, दिस दिस एंड दिस, तो कॉमन मल्टीपल मतलब सर जो कॉमन है, इनमें कौन कॉमन है सर, 3 है नो नहीं है, 6 है नहीं है, 9 है नहीं है, 12 है नहीं है, सर 15 दोनों में है, अच्छा सर 15 जैसा है 30 भी तो है दोनों में, जरूर है सर, लेकिन हमको चाहिए लीस्ट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन गया सर 15, समझ में आ गया, लेकिन क्या ऐसा, ये तो कंसेप्ट हो गया,
निकालना कैसे है सर, निकालूंगा कैसे। स्टूडेंट आपके लिए बहुत बढ़िया मेथड में आपको शो कर रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिए। मान लीजिए आपके पास है 56 एंड काम कर तो 62, छोटा नंबर ले लीजिए, एक 18 एंड 32 एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। स्टूडेंट 18 एंड 32 का एलसीएम निकालना है जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। 18 एंड 32 क्या करोगे, देखिए दुनिया का सबसे इजी मेथड, सबसे इजी मेथड, दोनों को लीजिए, दोनों में देखिए कॉमन डिवाइजर कौन है। सर 2 इसको डिवाइड करती है, इसको डिवाइड करता है, सबको बताया सर। 9 आ गया सर, 16 आ गया, दोनों में कुछ कॉमन है सर? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ कॉमन जाते तो मैं लेता, अगर नहीं जाते हैं तो एलसीएम बन गया सर 2 × 9 × 16, बस सर, हाँ बस खत्म, यहां पे स्टोरी खत्म। ये बन गया आपका एलसीएम, ठीक है, ये बन गया आपका एलसीएम 9 × 2 = 18, 16। अभी वैदिक मैथ पे अगर मल्टीप्लीकेशन पता है आपको, 8 × 6 = 48, 4 carry over, 14, हाँ 18, 1 carry over, 388, तो 388 आपका आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी 288 आ जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। तो एनीवे ये ऐसे निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम अगर करना है प्रभात, सिर्फ लेफ्ट में जो जो रहेगा वो एचसीएफ, एचसीएफ बन गया सर 2, प्रभात एचसीएफ बन गया 2, ठीक है एचसीएफ बन गया 2। अब मान लीजिए इसी नंबर का एलसीएम निकालना है आपको, तीनों नंबर ले लीजिए, ठीक है 25, 15 एंड 30, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बहुत अच्छे से देखो सर, तीनों को ना हम प्राइम से, ये जो डिवाइड होता है ना स्टूडेंट, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, देखिए 2, 3, 5 ऐसा, तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हो कॉमनली, तो 5, 3, 6 हो गया सर। अभी सर इन दोनों में क्या कॉमन जाता है, अगर तीनों में से मिनिमम 2 से आप कॉमन ले सकते हो, तीनों में से, तीनों नंबर है उनमें से मिनिमम 3 चीज से अगर आप कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लेना चाहिए। देखिए इससे 3 कॉमन जाते हैं, इससे भी कॉमन जाते हैं, तो 5 ले लो और 1, यहाँ पे 2, और कुछ कॉमन जाते हैं दोनों में से, तब कुछ नहीं कॉमन जाते हैं। तो सर एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम इज सिंपली सारे चीज का मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम इज 5 × 3 × 5 × 1 × 2 सर। और सर एचसीएफ क्या है सर, एचसीएफ इज सिंपली जो इस साइड पे है ना उसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 × 3 सर। स्टोरी खत्म, क्लियर हुआ आपको, आया ना क्लियर हुआ आपको? चलिए अभी बहुत हो गया, ये बेसिक चीजें समझ में आ गया। सुधा पटेल प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको हेल्प मिला है, अगर आपको समझने को लिए मिला है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सुधा पटेल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर समझ में आ गया आपको। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है, कोई सोचने वाला बात नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए आज एक बढ़िया सवाल, और उस सवाल के करने के बाद आज का सेशन मिल गया क्वेश्चन, चलिए मिल गया क्वेश्चन, यस यू आर मोस्ट वेलकम, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन का क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आंसर बताओ। It takes 2 hours for a person X to mow the lawn. Why can mow the same lawn in 4 hours
हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक एक्स एंड वाई इफ दे वर्क टुगेदर टू मो द लॉन। देख कर ही आंसर बताना चाहिए स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए 60 मिनट्स, ऑप्शन बी 80 मिनट्स, ऑप्शन सी 90 मिनट्स। अगर देख कर ही बता पा रहे हो तो आपको ये मेथड समझ में आ गया 120 मिनट्स। मैं चाहता हूं सिर्फ ये मेथड को आप समझ कर जाओ। आज का जो टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है, मैं चाहता हूं इस चीज को समझ लो, बाकी आप खुद कर सकते हो। शीतल ध्यान से पढ़िए, धर्म ध्यान से पढ़िए, फैंटास्टिक प्रियंका सिंह, रितिका शर्मा, फैंटास्टिक, सारे स्टूडेंट को आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताइए, सारे स्टूडेंट को आना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है। फैंटास्टिक, एलसीएम मेथड काम पे लगाओ, आंसर बताओ। ये क्वेश्चन मैं आई हैव गिवन यू दिस टू एज एन एक्सरसाइज सच दैट एवरीबडी। शुभम क्यों ऐसा आ रहा है आपको 79.99? अरे दो है यहां पे और चार है, जल्दी से बताइए, टू है और चार है। दो है और चार है, बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट ट्राई करिए, अगर ट्राई नहीं कर रहे हो सीख नहीं पाओगे। टू एंड चार का एलसीएम क्या है सर? हाँ इतना इजी सवाल है, अरे सबको आना चाहिए ना। ट्राई नहीं कर रहे हो स्टूडेंट, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। वेरी वेरी गुड सुधा, वेरी गुड प्रभात। तो देखिए स्टूडेंट, दो एंड चार एलसीएम हो गया फोर, टोटल काम है फोर, दो घंटे में करता है फोर, तो ये करेगा सर टू यूनिट पर आर, बिल्कुल सर। और सर ये चार घंटे में करता है वन यूनिट पर आर करेगा सर, यानी कि दोनों टू प्लस वन थ्री यूनिट पर आर करेगा सर, तो सर फोर बाई थ्री आर काम पे लगेगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हो आप, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करो 80 मिनट्स आ जाएगा सवाल का आंसर। हाँ तो ये तो इजी सवाल था, सच दैट आप कर पाओ। अभी आता है लास्ट सवाल ऑफ द डे, जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट, और ये आया था आईआईटी रुड़की 2017। लास्ट सवाल ऑफ द डे आईआईटी रुड़की पे आया था ये क्वेश्चन स्टूडेंट। आईआईटी रुड़की ने ये सवाल सेट किया था, देख लीजिए सवाल क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है। X blocks and Y tractors take 8 days to pluck a field. If we halve the number, सारे क्वेश्चनों में देखिए work is missing. If we halve the number of blocks and double the number of tractors, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? It takes 5 days. It takes
दिमाग लगाना, जो बताया मैं उससे सारे क्वेश्चंस हो सकता है, ये भी होगा। इट टेक्स 5 days टू द फील्ड, सेम फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। हाउ मेनी डेज विल इट टेक एक्स ब्लॉक्स टू प्लग द फील्ड? ओके, हाउ मेनी डेज इट विल टेक एक्स ब्लॉक्स टू प्लग द फील्ड? ठीक है, आई एम हाइडिंग माई सेल्फ, ऑप्शन आर आई एम गिविंग यू, राइट डाउन द ऑप्शन समवेयर स्टूडेंट। 30 days, ऑप्शन टू 35 days, ऑप्शन थ्री 40 days एंड ऑप्शन फोर 45 days। ये रहा चैलेंजिंग सवाल आपके लिए। अगर लास्ट वाला कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एसिमिलेट कर लिया, उसको प्रॉपरली समझते हो आप, तो ये बच्चों का खेल बनेगा। एक्स ब्लॉक्स एंड वाई ट्रैक्टर्स टेक 8 days टू प्लग द फील्ड, तो 8 days आ गया। दूसरा क्या, तो 8 days आ गया स्टूडेंट, इफ वी हाफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब एक्स की जगह पर अगर एक्स बाई टू होता है एंड डबल द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, मतलब वाई की जगह पर अगर 2y होता है, इट टेक्स 5 days टू प्लग द फील्ड। How many days it will take x blocks to plug the field? सोचिए और बताइए। अगर मैं करूंगा आपको लगेगा इतना इजी है, क्या लगाना पड़ेगा सर? LCM मेथड लीजिए, मैंने आपको क्लू भी दे दिया, अभी तो करना पड़ेगा। जो जो ये क्वेश्चन खुद करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 200% होने वाला है। खुद करो, ऑप्शन सर सर एक बार दिखा दीजिए। 30, 35, 40, 45 days x ब्लॉक्स एंड y ट्रैक्टर्स ने 8 days पे किया, 2x ब्लॉक्स हो गया, मतलब इफ वी सॉरी हाफ द नंबर, x बाई टू ब्लॉक्स हो गया, हाफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड डबल द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, 2y ट्रैक्टर्स हो गया, तो सर 5 दिन लगने वाला है। How many days it will take x blocks to plug the field? सोचिए। श्रुति दास ने बताया सर 40 days, वी डू नॉट नो, श्रुति दास ने बताया सर 40 days। बहुत ध्यान से देखो, अर्चना बता रहा है सर 40 days, इज इट ट्रू? क्वेश्चंस पढ़ लो स्टूडेंट, हाउ मेनी डेज इट विल टेक एक्स ब्लॉक्स टू प्लग द फील्ड? हाउ मेनी डेज इट विल टेक एक्स ब्लॉक्स टू प्लग द फील्ड? आई जस्ट वॉन्ट एवरी पीपल टू ट्राई फॉर इट, गो फॉर इट, देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू, नॉट बिफोर दैट, नॉट ए सिंगल लाइन बिफोर दैट। 6 minutes left. For 6 minutes left to 1 hour, and we'll complete the session by 1 hour today. And it will not take me just 10 seconds to explain you how to solve this. Ritika Sharma is saying, sir, option C, 40. 5 days, 8 days, or ye sawal hai aapke liye from IIT Roorkee 2017 gate examination. बहुत बढ़िया, तो देखिए ये सोचने की एबिलिटी, काबिलियत बनाना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूं स्टूडेंट, उर्मिला लिंगायत ने बताया सर सी। एलसीएम क्या है बेटा? अरे सिंपल बात है, 5 और 8, 5 और 8 का एलसीएम क्या है सर? सब बताएगा सर, 8 × 5 होगा, कुछ कम नहीं है, 40। एलसीएम सर 40 है। तो सर टोटल वर्क मैंने देखा कि यहाँ पे एक्स ब्लॉक्स और वाई ट्रैक्टर, सर सर एक्स ब्लॉक्स और वाई ट्रैक्टर्स ने सर कितने दिन में किया सर? 8 days में। तो सर ये 8 days लेता है, तो सर अगर 8 days में 40 units काम करेगा, तो सर 8 days में अगर 40 units काम करेगा, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, 5 units पर डे ले सकते हैं, हाँ या ना? 40/8 यानी कि 5 units पर डे ले सकते हैं, हाँ या ना? सर एक्स और वाई, एक्स ब्लॉक्स और वाई ट्रैक्टर्स
8 डेज काम करता है तो मतलब 5 यूनिट पर डे लेता है, हाँ या ना सर? यस और नो? हाँ या ना सर? क्लियर है? बहुत खूब। तो इतना अगर आपको क्लियर है सर, ये भी क्लियर है सर, x by 2 blocks and 2y ये कितना दिन लेता है? 5 days। तो सर x by 2 और 2y blocks सर ये 5 days लेने वाला है, 40 यूनिट, मतलब 8 यूनिट पर डे होगा, हाँ या ना सर? हाँ या ना? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए कि अगर अभी मुझे बताइए, बहुत ध्यान देना, अगर ये जो भाई साहब है, मतलब ब्लॉक्स जो है, अगर 1 यूनिट पर डे करता है तो 1 डेज में कितना काम करेगा सर? सर फिर से देखो सर, ब्लॉक जो है 1 यूनिट पर डे करता है तो 1 डेज में कितना करेगा सर? एक्स यूनिट, हाँ या ना? देखो बहुत समझा रहा हूं, उतना मतलब इजीली हो जाएगा। x प्लस वाई 5, x बाई 2, 2y 8, इसको सॉल्व करना है अभी आपको। सिंपल सवाल है स्टूडेंट, x प्लस वाई जो है 5 हो गया और x बाई 2 प्लस 2y हो गया 8। सर क्यों सर? ऐसा क्यों सर? अरे बता रहा हूं ना आपको, ये क्यों हुआ सर? बहुत अच्छा, x यूनिट, प्रभात आगे भी आएगा, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए सर। तो ये x यूनिट देखिए स्टूडेंट कि x प्लस वाई 5 यूनिट पर डे क्यों कर दिया सर? ये क्यों किया? सिंपल बात, क्योंकि अगर 1 यूनिट पर डे एक ब्लॉक काम करता है तो x यूनिट करेगा x ब्लॉक्स, हाँ या ना? सिमिलरली स्टूडेंट, y यूनिट पर डे अगर एक ट्रैक्टर काम करता है तो y यूनिट करेगा पर डे, हाँ या ना? तो हमने ऐसा पकड़ लिया कि ब्लॉक भी 1 यूनिट पर डे काम करता है, ट्रैक्टर भी 1 यूनिट पर डे काम करता है, तब जाके आप इसको इक्वल साइन डाल सकते हो। अभी बस कैलकुलेट कीजिए सर, क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 16। सर ये और ये तो सिंपल है, एक नंबर इक्वेशन है, तीन नंबर इक्वेशन है, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? अरे सिंपल बात सर, तीन से एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक किसको पता नहीं है। ओके सर, तो तीन को अगर एक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया और तो और 4y माइनस y बन गया सर 3y, 16 माइनस 5 बन गया सर कितना हुआ 11। तो सर 3y बन गया 11, तो y बन गया 11/3, y बन गया 11/3। सर x कितना बन गया सर? सर x बन गया आपका, x बन गया सर कितना? x बन गया सर 5 माइनस पहला इक्वेशन से 5 माइनस 11/3 सर 4/3। तो मतलब सर x बन गया 4/3। इसका मतलब क्या है सर? x बन गया 4/3। तो सर इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है स्टूडेंट कि x ब्लॉक 4/3 यूनिट काम, x ब्लॉक या फिर x का वैल्यू बन गया 4/3। x क्या था कौन बताएगा? x था सर x ब्लॉक्स का नंबर, या फिर x ब्लॉक्स ने जो काम किया, यानी कि x यूनिट पर डे था सर। तो सर ब्लॉक जो है, x ब्लॉक जो है 4/3 यूनिट काम पर डे करेगा, हाँ या ना सर? x ब्लॉक x यूनिट काम पर डे कर रहा था, x का वैल्यू 4/3 आ गया सर, तो x ब्लॉक 4/3 यूनिट काम पर डे करेगा सर, हाँ या ना? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी डेज इट विल टेक x ब्लॉक टू प्लॉग द फील्ड? हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू x ब्लॉक टू प्लॉग द फील्ड, हाँ या ना सर? बहुत बढ़िया। तो सर टोटल क्या ले लिया था हमने? सर ये तो बच्चों जैसा गेम है, टोटल क्या था सर? टोटल था 40, कहां पे गया 40 सर, 40 था टोटल। तो सर 40 अगर टोटल है, 40/4/3 हो जाएगा इतना डेज, तो कितना हो गया सर? 40 × 3/4 बन गया 30 डेज। अच्छा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ गया 30 डेज। तो मैंने कुछ अलग किया स्टूडेंट, अभी बताइए जिस जिसको समझ में नहीं आया बताइए, तो जिस जिसको समझ में नहीं आया मेरे बातें बताइए। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है स्टूडेंट, जो देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया था 40 आंसर, 40 इज नॉट द आंसर। और मैंने यही चीज आपको बताया कि दुनिया भर का कोई भी सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो, आप
कोई भी वक्त एलसीएम मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको किल कर सकते हो। समझ में आया कि ना? अरे बताइए कमेंट करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो जो चीज बताया इसको एबिलिटी पे बनाइए। कोई भी क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे इस मेथड पे डाल के कर रहा हूं, ये चीज अगर आपको आ जाएगा तो टाइम एंड वर्क विल बी नथिंग नथिंग फॉर यू, अ वेरी सिंपल टॉपिक फॉर यू। चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको अच्छा लगा सेशन और आपको समझ में आया कि कैसे टेक्निकों से एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन को क्रैक करना चाहिए। चलिए गुड बाय, टेक केयर, लेट्स मीट टुमारो अगेन स्टूडेंट्स। गुड बाय एवरीबॉडी।